डंडा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डंडा तथा छप्परदगा में दुर्गा पूजा समिति महुराम टोला एवं प्राचीन शिव मंदिर टोला छप्परदगा द्वारा शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसका बतौर मुख्य अतिथि डंडा जिला पार्षद सह गढ़वा विधानसभा विधायक प्रत्याशी अजय कुमार चौधरी और अजय मिट्टल ने फीता काटकर कलश यात्रा रवाना किया। वहीं श्री मिट्टल ने शारदीय नवरात्र पर अपने संदेश में कहा कि माँ दुर्गे ग्राम तथा क्षेत्रवासियों पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखे और हम सभी के खुशहाली के साथ साथ आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बना रहे। 501 कुंवारी कन्याओं ने डंडा थाने के समीप कोयल नदी के घाट से हिंदू रीति रिवाज के साथ विधिवत पूजा अर्चना तथा मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरा और वापस पूजा मंडप में लाए। दुर्गा पूजा समिति छप्परदगा द्वारा शारदीय नवरात्र के सुअवसर पर गाजेबाजी और जयकारे के साथ भक्ति भाव से थिरकते देखे गए तथा पूरा वातावरण माता के जयकारों से गूंजता रहा। इस जल शोभा यात्रा में अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, सचिव प्रमोद प्रजापति, कोषाध्यक्ष अरुण शर्मा, मुखिया प्रतिनिधि जद्दू चौधरी, झामुमो अनुमंडल अध्यक्ष विनेश्वर चौधरी, प्रखंड सचिव तौकीर अंसारी, प्रेम चौरसिया, मनोज शर्मा, विपिन चौधरी, कौशल चौधरी, विनोद चौधरी, दशरथ चौधरी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। डंडा से राजेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट।